नीतीश और बीजेपी सरकार के एक साथ साल भर में पब्लिक खुशहाल या बेहाल, सीट बंटवारे पर चल रहा है एनडीए में बवाल। 40 सीटों वाले बिहार के बोर्ड की सबसे बड़ी पड़ताल। चित्रा त्रिपाठी के साथ नालंदा से लाइव। सभी का बहुत स्वागत है बिहार के नालंदा से। और यहाँ पर आपको बता दें, चूंकि सूखे की मार झेल रहा था बिहार, लेकिन इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। यहाँ के किसान, यहाँ के आम लोग और यहाँ की सरकार ने भी इस बारिश की वजह से राहत की सांस ली है। देखिए बाहर की तरफ झमाझम बारिश, काफी तेज बारिश, बीती रात भी बारिश हुई है। और सूखे की मार जो बिहार झेल रहा था, इस बारिश ने उसे काफी ज्यादा राहत दी है। और इसी वजह से, चूंकि बारिश काफी ज्यादा तेज है, बाहर जो इंतजाम हमने कर रखे हुए थे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, बाहर से नहीं बल्कि अंदर एक हॉल है बड़ा सा, उसके अंदर से इस बड़ी पेशकश को आप तक हम पहुंचाएंगे। नालंदा के लोग एक बार जोरदार तालियां बजा लें खुद के लिए। देखिए लोग पूरे जोश में हैं, जुनून है इनके सिर पर, और ये अपने इलाके के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले, जैसा कि महाराष्ट्र की बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंच रही है कि किस तरह से मराठा आरक्षण आंदोलन की आग में महाराष्ट्र जल रहा है। मुंबई में बंद का जो ऐलान किया गया था, उसका खासा असर भी देखने को मिला है। देवेंद्र फडणवीस के सामने बड़ी चुनौती इस आरक्षण आंदोलन ने खड़ी कर दी है। इसके राजनीतिक मायने क्या है और आगे आने वाले वक्त में इसका कैसा देखा जाएगा असर, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गाड़ियों से उठती आग की ये लपटें मुंबई के कलंबोली की हैं, जहां मराठा समाज के लोगों ने आरक्षण की मांग के लिए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आरक्षण की मांग के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो चुके मराठा आंदोलनकारियों ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आगजनी। आंदोलन की आड़ में प्रदर्शनकारियों ने जमकर गुंडागर्दी की और कई जगह पर जबरदस्ती दुकानें भी बंद करा दी। हाल ये रहा कि देश की आर्थिक राजधानी आज इस गुंडागर्दी के सामने बेबस नजर आए। फिलहाल हम मौजूद हैं नवी मुंबई में, नवी मुंबई के वाशी इलाके में। ये वो हाईवे है जो कि मुंबई से जब आप पुणे या गोवा की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इस हाईवे से ही होकर जाना पड़ता है, लेकिन इस हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। इस वक्त हम मध्य मुंबई के दादर इलाके में हैं। ये एक व्यावसायिक इलाका है, आमतौर पर यहाँ पर काफी भीड़भाड़ रहती है, चहल पहल रहती है, रौनक रहती है, लेकिन आज देखिए आज हाल किस तरह का है। तमाम दुकानें जो है आंदोलनकारियों के डर से बंद की गई हैं। अब ये घोषणाबाजी दूसरी कहीं जगह पर नहीं तो पुलिस स्टेशन के सामने हो रही है। शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन है, इसके सामने ये आंदोलन करते हैं, अपने कुछ आंदोलनकर्ताओं को छुड़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। नवी मुंबई में उस ठिकाने पर मौजूद हैं जहां से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे खत्म होता है। दोपहर के वक्त यहां पर कई सारी पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया और पुलिस ने इन्हें खदेड़ने के लिए यहां पर बल प्रयोग किया था, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, हवा में फायरिंग की, लेकिन इसके बावजूद भी यहां से अब तक ये आंदोलनकारी नहीं हटे हैं। मुंबई के बांद्रा इलाके में आप देखेंगे कि इस तरह की दुकानें बंद हो रही है और मराठा क्रांति मोर्चा के जो आंदोलनकारी है वो यहां पर घूम रहे हैं कि ये दुकानें बंद की जाए। हमारे साथ प्रशांत सावंत है जो आंदोलनकारी है। आप यहां पर घूम रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि दुकानें बंद की जाए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त हम बोईसर एसटी डेपो में मौजूद है, जहां पर अगर तस्वीर आपको दिखाए तो बस आपको एक भी नहीं नजर आएगी। ये इसलिए क्योंकि जगह जगह पर जिस तरह से देखा गया है कि मराठा क्रांति मोर्चा के लोगों ने कई जगह पर व्हीकल्स को रोका गया है, तो वहीं यहां पर भी बस की आवाजाही बिल्कुल नहीं हो रही है। जल रही मुंबई और ठप पड़े महाराष्ट्र पर भी शिवसेना राजनीति करने से बाज नहीं आई। हिंसक हुए मराठा आंदोलन के लिए शिवसेना ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि जब आप सरकार में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, विरोधी दल में थे, तभी आपने इस मांगों को उठाया था कि हमको सत्ता मिलने के बाद 24 घंटा में आपकी मांगे पूरी करेंगे, चाहे धनगर समाज के हो, चाहे मराठा समाज के हो। आप सत्ता में आकर 4 साल हो गए हैं, फिर भी आपने उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो लोग भड़क जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र को अराजकता का जख्म देने के बाद मराठा क्रांति मोर्चा ने मुंबई में बंद वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन आरक्षण की मांग को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया। हालांकि जो संदेश है वो साफ है कि मराठा को आरक्षण देना सरकार के बस से बाहर की बात है। वैसे भी मराठा वोट बैंक
थोक भाव में बीजेपी के विरोधियों को जाता है। तो देखा आपने मुंबई समेत आसपास के इलाकों में कितना ज्यादा असर इस मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से देखने को मिला है। और इसी मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की ओर से बीजेपी पर किया गया है जोरदार हमला, ये कहते हुए कि बीजेपी इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटी सेक रही है। सुनिए, मुख्यमंत्री चर्चा की बात कर, चर्चा तो 4 साल से चल रही है, आप लोगों को कब तक ऐसे घुमाते रहेंगे चर्चा चर्चा के द्वारा। लोग चाहते हैं कि अब इसमें फैसला हो, कानूनी तौर पर इनको मुस्लिम समाज का मामला हो, मराठा आरक्षण हो, धनगर समाज की विषय हो, हमारे जो शेड्यूल कास्ट हैं हमारे उनकी समस्याएं हो, इस पर कोई ठोस कृति की आवश्यकता है। फैसले नहीं हो रहे हैं, वक्त जाता जा रहा है, चुनाव के सामने लाकर रखेंगे और फिर कहेंगे चुनाव में हम हेल्प कीजिए, हम आपको मदद करेंगे, तो इसका राजनीतिक फायदा तो बीजेपी शिवसेना उठा रही है, हमारा कहना है। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से कलंबोली शाम को युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। वहां से उमेश कुमावत की ये रिपोर्ट देखिए। नवी मुंबई के कलंबोली में आप देख सकते हैं कि शाम हो चुकी है और यहां पर आप पुलिस वाले देखेंगे, देखिए सामने पुलिस वाले जो है वो सामने की तरफ है, देखेंगे कि यहां पर देखिए पुलिस ने यहां पर अभी आंसू गैस का गोला जो है यहां पर छोड़ा है और भीड़ अब तितर बितर हो रही है। उधर की तरफ देखिए आप, पुलिस ने यहां पर आंसू गैस का गोला छोड़ा है जिसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि भीड़ जो है तितर बितर हो रही है, यहाँ पे तितर बितर हो रही है। काफ़ी देर से यहाँ पर पुलिस देख रही थी कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जो आंदोलनकारी है वो हट जाए, लेकिन अभी एक आंसू गैस का गोला छोड़ा और ये देखिए आंसू गैस का दूसरा गोला है वो देखेंगे आप, पुलिस यहाँ पर छोड़ रही है। बावजूद अब थोड़ी जो है भीड़ थोड़ी पीछे हटने लगी है और पुलिस सामने की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देगी। देखिए पुलिस यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है लगातार, और जो 10:30 बजे से जो जाम था वो आप देखेंगे कि पुलिस हरकत में आ चुकी है और पूरी भीड़ आपको यहाँ पर भागती हुई दिखाई देगी, पूरी भीड़ आपको यहाँ पर भागती हुई दिखाई देगी और पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। सुबह से जो भीड़ यहाँ पर थी, पुलिस ने काफ़ी समझाने की कोशिश की कि किसी तरीके से ये भीड़ तितर बितर हो जाए, लेकिन आप देखिए यहाँ से इस तरफ से जो लोग हैं वो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस वहाँ पर बचने की कोशिश कर रही है और एक देखिए पुलिस जो है वो लोगों को बचाने की, कुछ लोगों को यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रही है और पुलिस ने यहाँ पर काफ़ी सारे देखिए लगातार पुलिस यहाँ से लगातार जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। देखिए उस तरफ आपको दिखाई देगा पुलिस जो है वो उस तरफ पुलिस यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और दूसरी तरफ से गलियों से आपको दिखाई देगा, गलियों से पुलिस पर पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं। पुलिस ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से ये ट्रैफिक छूट जाए, अब देखिए वो तरफ से ट्रैफिक जो सुबह 10:30 बजे थे वहाँ से वो एक गाड़ी पहली गाड़ी निकलते हुए दिखाई देगी। लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले एक तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ गाड़ियाँ निकालने की पुलिस की ये कोशिश है, लगातार पुलिस उस गलियों में जाके आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो इस तरफ से देखिए अब जो ट्रैफिक करीब 10:30 बजे से था वो उसे निकालने की कोशिश किया और ये ट्रैफिक निकल रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उसके बीच से ये मुंबई पुणे हाईवे का ट्रैफिक जो है वो इस वक्त पुलिस यहां से निकाल रही है। उमेश कुमावत की आप रिपोर्ट देख रहे थे। आपको बता दें कलंबोली पर आज सबकी निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें और उठापटक का दौर आज उसी इलाके में जारी रहा। वहां के एक दूसरे हिस्से से जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट देखिए। हेलो, और आप देखिए यहाँ पर पुलिस एक्शन में आ गई है, जो सामने की तरफ दंगाई है, जो की पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे उनके ऊपर पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पुलिस अब इन्हें खदेड़ रही है। यह कलंबोली इलाका है जहां पर कि फिर से एक बार दंगाई जमा हो गए हैं और पुलिस पर ये लोग पथराव कर रहे थे और पुलिस और दंगाई इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, ये देखिए सामने की तरफ पुलिस हवाई फायरिंग भी कर रही है, ये देखिए सामने की तरफ से पत्थर मारे जा रहे हैं पुलिस की तरफ, पुलिस हटाने की कोशिश, ये लोग इन लोगों ने फिर से कोशिश की थी सायन पनवेल हाईवे को जाम करने की लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है और अभी अंदर की गली हाईवे से सटी हुई एक गली है वहां पर आ गए हैं और अब
पुलिस अलग अलग टुकड़ियां बनाकर इन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है। मम्मी के समय तनाव हुआ था तो ये लोग शांति बहाल में थे। दुर्भाग्य है कि शासन और प्रशासन के मन में एक बात बैठ गया है कि कॉम्युनल हारमोनी तभी ठीक होगा जब मैं हिंदुओं को दबा दूंगा। भारत में कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। यार कुछ भी नहीं है, वो रद्दी का टुकड़ा नहीं है, वो पूरी तरह फेंकने के लायक है, वो कागज का पुलिंदा। वो तमाम भ्रष्टाचारी वो पदाधिकारियों ने वहां के नाथनगर थाना के जो इंस्पेक्टर है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बना है आपका बेटा, इस देश के गरीब का बेटा, इसे देश के एक एक व्यक्ति को अपने सब चीज से ऊपर उठकर उसको उस पर स्वाभिमान होनी चाहिए और इसकी कद्र करनी चाहिए और उसकी ओर उठने वाली उंगली को, उठने वाले हाथ को हम सब मिलकर या तो तोड़ दें, जरूरत पड़े तो उस हाथ को काट दें। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बिहार के नालंदा में हमारी मौजूदगी है। नालंदा की जनता सबसे पहले जोरदार तालियां बजा ले खुद के लिए। आपको बता दें कार्यक्रम को हम एक हॉल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जोरदार बारिश हो रही है इस वक्त नालंदा में मेरे पीछे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये एक अच्छी स्थिति है बिहार के लिए क्योंकि काफी ज्यादा समय से बिहार सूखे की चपेट में था। इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से तमाम रियायतें भी किसानों को देने की घोषणा की गई। फिलहाल राहत के साथ आज किसानों ने ली है, आम आदमी ने ली है, इसके साथ ही यहाँ की सरकार ने ली है। लेकिन यहाँ से हम सवाल उठाएंगे सांप्रदायिकता को लेकर। आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? आखिर वो कौन से राजनेता हैं जो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को चार चांद लगाना चाहते हैं? आखिर वो कौन लोग हैं जो यहाँ के माहौल को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार हैं? इसी पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ की जनता के सीधे सवाल होंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, जल्दी से उनका तारुफ करा देती हूँ। जेडीयू से हमारे साथ जिला महिला अध्यक्ष डॉक्टर वसुंधरा जी मौजूद हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आरजेडी से युवा जिलाध्यक्ष सुनील कुमार यादव हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी स्वागत हो। बीजेपी से जिला उपाध्यक्ष अमरकांत भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं बीजेपी से ही करना चाहूंगी क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि बीजेपी के नेता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं और उसके बाद अपनी राजनीति को चमकाते हैं। बिहार में आप लोग यही कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति करती तो आज पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं। जितने एमपी और राज्यसभा एमपी जितना भी है, सारी चीजें ठीक हैं, माहौल नहीं बिगाड़ते क्या आप? नहीं, नहीं, ये आप लोग का सीधा सीधा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी समरथ समाज में विश्वास रखती है और समरथ समाज का प्रतिनिधित्व करती है। आरजेडी क्यों आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी शुरू कर देती है? 100% आपने बात सही कहा मैडम। सबसे पहले मैं डिबेट के पहले ये कह दूं कि आपका यहाँ चरण नालंदा में पड़ा। चंद घंटे पहले हम लोगों ने आंदोलन किया था कि बिहार राज्य को सुखाड़ घोषित किया जाए। लगता है कि आपका चरण यहाँ पड़ते ही बारिश भी आ गई, आपका नाम भी चित्रा है और हम लोग आपका स्वागत करते हैं नालंदा में। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अब मैं सवाल पूछ लेती हूँ क्योंकि ये बात सही है कि बारिश नहीं होने की वजह से लोग परेशान थे, लेकिन ये बताइए आप लोग भी तो यादव मुसलमान की राजनीति करते हैं ना, मुस्लिमों को भड़काकर उनका वोट बैंक आरजेडी भी अपने पक्ष में करना चाहती है, आप लोग भी तो उतने ही जिम्मेदार हैं।
अगर हम लोग मुस्लिमों को भड़का करके राजनीति के अगर सेकते तो 90 से आज तक मुस्लिम हमारे साथ नहीं रहते, किसी न किसी कारणवश से वो हमसे हट जाते, क्योंकि वो भी बुद्धिजीवी हैं और लोग भी बुद्धिजीवी हैं। मैं किन्हीं को नहीं भड़काता है बल्कि नीति और नियत को साफ रखता है। देखिए, आरजेडी की नीति और नियत साफ है, नीति और नियत तो जेडीयू की ही खराब है, क्योंकि आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। फिर इसी की बात करते हैं, क्राइम करप्शन और कम्युनिज्म को कम करेंगे, रोकेंगे, कैसे कम करेंगे? नीतीश कुमार, करप्शन कम हुआ है ऐसी बात नहीं है, आरजेडी वाले आरोप लगा रहे हैं, इसका कारण है कि वो लोग को साथ नहीं दिया जा रहा है माननीय नेता द्वारा, जो आरजेडी वाले लोग हैं वो दंगे भड़क रहे हैं, रोक पाने में नाकाम हो रहे हैं आप लोग। ऐसा बीजेपी के एक नेता है, दंगे भड़का के चल देते हैं वो पट्टा, जब माहौल पूरा शांति की तरफ बढ़ता है तब जाकर उनकी गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं माना जाए जिम्मेदार आप लोगों को? नहीं, हमारी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, विपक्षी जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि वो लोग गठबंधन से हटे हैं, इसका मलाल गठबंधन से हटे हैं, इस वजह से माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही है आरजेडी, जैसा कि आरोप लग रहा है जेडीयू की ओर से। कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है? आप लोग भी तो राजनीति करते हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से सर्वधर्म संभाव और समरस समाज, इसीलिए हिंदू पाकिस्तान की बात की जाती है कांग्रेस। देखिए, कोई व्यक्ति कर सकता है, कांग्रेस कभी नहीं करती है ना, कांग्रेस वो आपके नेता सांसद आप कह रहे हैं व्यक्ति हो गए, वो व्यक्ति हैं, शशि थरूर एक व्यक्ति हैं, कोई कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता नहीं है। गलत बयाने की निकाल क्यों नहीं दी आप लोगों ने? गलत बयाने की निकाल देते, निंदा हुई है उनकी, निकाल देना ही कोई समाधान नहीं, उनको रास्ते पर लाना होगा और रास्ते पर आएंगे। कांग्रेस का जो नियत है, नियति है, उस भटक गए हैं नहीं, वो कभी गलत कह रहे हैं कि भटक गए शशि थरूर, रास्ते पर लाने का काम किया जाएगा। चलिए पीछे चलते हैं, लोगों की बात करके कौन बोलना चाहता है बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? माहौल कौन खराब कर रहा है? माहौल इस देश में इतिहास है कि जब जब चुनाव आती है तो कांग्रेस पार्टी ने दंगा कराई है। इधर आइएगा, इनको 20 बार मैंने समझा, इधर आइए, आपको 20 बार बता रही हूँ नेतागिरी नहीं चलेगी यहाँ पर। सबसे तेजस्वी यादव जिंदाबाद कर रहे हैं, नंबर भी बढ़ाएंगे, अपने इलाके का मुद्दा ही उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, तब से मना कर रहे हैं। पूरा बिहार की जनता गलत दान हो गई है, पूरा तेजस्वी यादव जिंदाबाद करेंगे तो माहौल ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक होगा, क्योंकि हम सरकार से तब मर्डर हो रहा है बच्चों के साथ, तो मुद्दा उठाना तब से हल्ला किए जा रहे हैं, मुद्दा उठाना यहाँ का, जो दिक्कत है वो बताओ, क्या दिक्कत है बताइए जी, क्या दिक्कत है यहाँ की बताइए। मैंने कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में शराबबंदी फेल है, बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ तहाँ मर्डर हो रहा है, गया में अभी जो कांड हुआ है उससे हम लोग एकदम पूरा परेशान हो गए हैं। ये लोग पूरे परेशान हो गए, आप भगवा पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के मैं जिम्मेवार पदाधिकारी हूँ जिला, ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ही पूरा माहौल खराब। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बोलने दीजिए मैं आ रही हूँ, बोलने दीजिए नरेंद्र, आप बोलिए बताइए। मैं यहाँ पे छात्रों का मुद्दा लेकर चलना चाहता हूँ कि मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। 2017 में मेरा सेशन पूरा होना था, आज 2018 होने को है, अभी तक कोई सेशन का पता नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा पीजी का, मैं परेशान हूँ, वैकेंसी नहीं है, शिक्षा का पूरा शिक्षा का मुद्दा हमने उठाया, जल्दी से जल्दी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस गरीब के घर में बिजली पहुंचाई जहां पर कांग्रेस की सरकार 55 सालों में नहीं पहुंचाई, उस घर में पीने का पानी पहुंचाया गया। नेतागिरी नहीं, माहौल बिगाड़ते हैं कि नहीं आप लोग, माहौल बिगाड़ते हैं कि नहीं? माहौल बिगाड़ने का काम विपक्षियों का है, जो अफवाह फैलाकर नरेंद्र मोदी जी के विकास की सरकार को खुद करना चाहते हैं। जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, मंत्री जी पहुंच जाते हैं उनसे जेल में मुलाकात करने के लिए, परिवार के पास जाकर आंसू बहाते हैं, इस तरह के जो लोग पीछे, देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बारिश में भीग कर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए हैं, तो जरा उन लोगों की राय को भी शामिल करते हैं। नालंदा का बड़ा मुद्दा क्या है? आगे आइए, कौन बोलना चाह रहा है? आगे आइए, बताइए क्या बड़ा मुद्दा, जल्दी बोलने नहीं देंगे आप, बोलिए ना मैडम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 15 साल लालू जी की शासन रही है, हाँ, लेकिन कोई भी एक भी उद्योग बता दे कि नालंदा की धरती पर लगी हो, या सांप्रदायिक दंगा की यहाँ पर बात, यहाँ पर सांप्रदायिक दंगा की बात हो रही है, ठीक है, 1981 का दिखा दिया जाए, इतिहास में जल्दी से। नीतीश कुमार के 12 साल के सरकार में न एक भी, लालू जी के सरकार में 7 कॉलेज पूरे बिहार में खुले,
और नीतीश के सरकार में सिर्फ बिहार दारूबंदी शराबबंदी एक एक लड़का छोटे बच्चे के बैग में शराब पहुंचाया जा रहा है और कहां पहुंचाया जा रहा है कहां पहुंचाया जा रहा है होम डिलीवरी नहीं है बेडरूम डिलीवरी तक झूठ तो नहीं बोल रहे हैं नहीं झूठ नहीं अगर आप पता लगा सकते हैं आप न्यूज वाले हैं आप एक एक लड़के से एक एक बच्चे तक शराबबंदी केवल जुमला ठीक है इनको भी मौका बहुत तेज से बारिश में भीग रहे थे इनको भी मौका हाँ मैडम देखिए सुशासन बाबू के राज में और बीजेपी के साथ में मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ वो बहुत बड़ा निंदनीय है जहाँ 25 से 30 लड़कियों के बलात्कार होता है इसका जवाब कौन देगा हंगामा नहीं आराम से आप कैमरे के सामने नहीं गलत बात है ना पीछे रहिए क्या हो गया इधर आओ क्या हो गया मना कर रहे हैं ना हल्ला नहीं करो क्यों हल्ला कर रहे हैं अल्लाह कर रहे हैं यही कि विपक्ष भगवान गमछा पहन लोगे इधर आओ आगे आओ आने दीजिए इनको हल्ला करोगे बात ही सुनोगे विपक्ष पार्टी से बोला जा रहा है तो हम लोग भी बोलेंगे कि क्यों बोलो हल्ला नहीं नारेबाजी नहीं करो ना आवाज सुनाई नहीं देगी एक दूसरे की बताओ क्या दिक्कत आगे वाले लोग हल्ला कर रहे थे हम लोग क्यों आगे वालों को रोका मैंने बताओ क्या मुद्दा है क्या दिक्कत अब हम ही रुकेंगे मुद्दा यही है कि अभी बिहार सरकार के जो अथी हो रहा है स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रही है बिहार सरकार में जो आप ही लोगों की सरकार है बीजेपी के नीतीश कुमार की हमारी सरकार है आपकी कौन विद्यार्थी परिषद से एबीवीपी से एबीवीपी कौन है पता है आपको एबीवीपी बीजेपी का छात्र एबीवीपी आरएसएस एबीवीपी स्वतंत्र छात्र आरएसएस क्या आरएसएस की बात नहीं मानती है बीजेपी नहीं मानती आरएसएस की बात बीजेपी ये मुद्दा नहीं रखता आरएसएस का राजनीतिक बींग है बीजेपी ना कि आरएसएस का एक संगठन है अरे इतिहास नहीं पढ़ा है बताओ दिक्कत क्या है आपकी बात सरकार नहीं मान रही आप ये कह रहे हैं बिहार में लगातार छात्र त्रस्त है ऑनलाइन एडमिशन का प्रक्रिया लिया जा रहा है जिससे छात्र अंधकारमय है लगातार 2 साल के सेशन 4 साल में पूरा हो रहा है छात्रों के भविष्य ये देखिए ये लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से और इन लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार ने आराम से एक एक करके अपनी बात रखी है झगड़ा नहीं अपनी बात रखी झगड़ा नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ मैडम कि ये पूरे जो मुजफ्फरपुर की घटना है ये पूरी दुनिया का ऐतिहासिक घटना है और सीबीआई से जांच करने के लिए मांग जो है लोकसभा में उठाया गया है राजद की ओर से महागठबंधन की ओर से लेकिन फिर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी क्यों नहीं इनको मतलब कि उन दे रहे हैं कि हाँ सीबीआई से जांच मतलब क्राइम बढ़ रहा है नीतीश ध्यान नहीं दे रहे हैं आप ये क्या नजारे बताइए 55 साल से कांग्रेस लूटने का काम किया 4 साल से केस जवाब 55 सालों से कांग्रेस लूट की सरकार थी 4 साल के मोदी सरकार के योजना पर क्यों जाती है टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ ये अन्याय नहीं करें देशद्रोही वाला काम मत करें यहाँ कौन सा काम किया है देशद्रोही कौन सा काम राहुल गांधी मंदिर मस्जिद जाने के लिए छोड़ दें मंदिर मस्जिद छोड़ दें आप उनके धर्म पर भी सवाल खड़े करोगे वो धर्म जिसको माने जिसको नहीं माने आप कौन नहीं मैडम वो एक देश बेचने का काम किया राहुल गांधी ने राहुल गांधी चोर नेता है नहीं नहीं गलत बात है किसी के लिए किसी भी नेता के लिए ऐसे मेरा सवाल समझ जनता से ये है कि जिस प्रकार से आरजेडी के द्वारा युवाओं का चेहरा बनाया गया है तो 2025 में भी विधायक के लायक हो जाऊंगा तो क्या मुझे भी मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा क्या विधायक बनने के ठीक है आराम से झगड़ा नहीं हल्ला नहीं आराम से हल्ला शांत गलत बात है आवाज नहीं आ रही है गलत बात है अठारह से अट्ठाईस वर्षों को युवाओं को जो ठगने का काम किया है जनता जवाब देने के लिए तैयार है और जनता उपचुनाव में जवाब दी है और 2019 चुनाव 2020 विधानसभा चुनाव में अरे मुद्दा क्या है दिक्कत क्या है हमें मुद्दा यही है कि बिहार की जनता को ठगने का काम किया है ये क्या और दिक्कत है यहाँ हमारे छात्र के भविष्य के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं नीतीश कुमार बिहार में ये बता बिहार का नेता कैसा होना चाहिए कैसा होना हम बता रहे हैं बिहार देखिए खाली जिंदाबाद करने से कुछ नहीं होगा या तेजस्वी यादव जिंदाबाद चाहिए मोदी जिंदाबाद हमको विशेष राज का दर्जा चाहिए विशेष राज का दर्जा चाहिए हर हालत में मोदी ठीक है बिहार का नेता कैसा बिहार का नेता नीतीश कुमार जैसा होना चाहिए और ये बिहार का मतलब ही है नीतीश कुमार मतलब बिहार और जब से मुख्यमंत्री बिहार का नेता नीतीश जैसा कैसा होना चाहिए बिहार का मैं पूछ रहा नरेंद्र मोदी जी से
कि 4 साल उन्होंने वक्त बिता दिया, देश की जनता नौजवान के हित में कुछ नहीं सोचा। वो बदले की भावना की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में ये हाल हो गई है कि जहाँ एक गाय का अहमियत एम्बुलेंस पर और यहाँ के पब्लिक को घसीट करके पुलिस ले जा रही है, ये जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी इसके लिए भाजपा के लोग हैं जी, जो इस तरीके की राजनीति कर रही है। ये कह रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा के जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं, सांप्रदायिक जिम्मेदार भाजपा। नालंदा में विगत 3 महीनों से प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार, कहीं रोडगनी, कहीं आगजनी, महिलाओं के साथ बाजार समिति में फेंका हुआ लाश का आज तक, बाजार समिति में जो लाश फेंका गया उसका आज तक उद्भेदन नहीं हुआ। कल राजगीर की तरफ एक लाश मिला, उसका उद्भेदन नहीं हुआ। ये बताइए बिहार का नेता कैसा होना चाहिए? बिहार का नेता नीतीश कुमार का जैसा होना चाहिए। यहाँ एमपी एमएलए जेल जाता है, यह पहली सरकार है जिसमें एमपी और एमएलए को जेल जाना पड़ता। गलत आदमी पक्ष से नहीं जाएंगे और बिहार में न्याय के साथ विकास होना, न्याय के साथ विकास होगा, कैसा होना चाहिए? मैडम आज से 15 साल पहले जाएंगे तो लालू यादव का शासन क्या था? वो पूरे देश से छुपा हुआ नहीं कि क्या उनका था, और दंगे जितने उनके समय में हुए नीतीश कुमार समय कोई ऐसे दंगे नहीं। ठीक है, पीछे से कुछ और लोगों को, बिहार का नेता कैसा होना चाहिए? नीतीश कुमार जैसा हो जो आज तक जो आजादी के बाद आज तक कोई नहीं कर पाया, वो नीतीश कुमार ने कर दिया। इसलिए बिहार का नेता नीतीश कुमार, और पूरा देश जानती है, पूरा बिहार जानता है कि इनको आने दीजिए, आराम से। हल्ला नहीं। पीछे चलेंगे। हटिए, जगह छोड़िए। पीछे, आगे से हटिए। इधर आओ। नशा तो नहीं किए हुए हो? नहीं। पक्का? आंखों से लग रहा है। आपके लिए मैं भयंकर आया हूँ। इतना हंगामा किए जा रहे हो, कोई बात सुन नहीं रहे हो, आंखें तुम्हारी चढ़ी हुई है, से पूछ रही हूँ। नहीं, मैं हंगामा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए आया हूँ, इतना आदूर पानी में भींगे। ठीक है, बारिश में भी क्या, ये बताओ बिहार का नेता कैसा होना चाहिए? राहुल गांधी जैसा युवा नेतृत्व देश को मिलना चाहिए। राहुल अच्छे? बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी। बिहार की समस्या को हल करेंगे? बिल्कुल हल करेंगे। तेजस्वी बहुत अच्छे हैं। आराम से। वो कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत अच्छे। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आरजेडी वालों से। मैं आरजेडी वालों से सवाल करना चाहता हूँ, आप 15 साल राज किया, उनके बाप बेटी बेटा पूरा परिवार राज किया 15 साल, क्या क्या है 15 साल में, ये बताइए। 15 साल में आरजेडी ने क्या किया? ये बता रहे हैं जो जदयू वाला जो कर रहा है नीतीश कुमार बीजेपी मिल के, जो मुजफ्फरपुर में जो लड़कियां के साथ बालगृह में जो हो रहा है, उसके लिए हमको मान चाहिए सीबीआई का। उसके लिए ठीक है। इधर से नेता कैसा होना चाहिए? तेजस्वी यादव जैसा होना चाहिए, तेजस्वी यादव बिहार का। ये नीतीश कुमार बोले मुझे। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। दूर रहिए। नीतीश कुमार बिहार के लिए खतरा कलंक है। ये नीतीश कुमार को जल्द से जल्द जाना चाहिए। नीतीश कुमार बिहार को शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। नीतीश कुमार यहाँ के अपने दावे अपने बाधे आगे से हट जाइए। कुल मिलाकर आप यहाँ पर नालंदा में क्योंकि एक हॉल में हमारे कार्यक्रम हो रहा है, इस वजह से इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।